आज गुरु गोबिंद सिंह जी का बर्थडे है और योगी जी अय्यागंज गुरुद्वारे में आए हैं श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के। सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है। डिप्टी सीएम जी आए ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪੰਜ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਦਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਝੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਝੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਫੋਨ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ मैं इससे पहले भी 2017 में तास्तर तब हुआ कि वहां पे तो कम संख्या थी, लेकिन उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से
देश के करोड़ों लोगों ने देखा और इतना अप्रिशिएट किया लोगों ने, इतना ज्यादा उसकी प्रशंसा की लोगों ने कि कार्यक्रम ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि पूरा देश ये देखना चाहता था कि गुरु गोविंद सिंह जी के चार चार पुत्रों ने इस देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया और उनके नाम पर कोई कार्यक्रम नहीं हो पाता था, कोई आयोजन नहीं हो पाता था। ये हमारा सौभाग्य है कि साहिबजादा दिवस के आयोजन के साथ ही पाठ्यक्रम में नामकरण, और अब मैं तो परसों ही महापौर जी को कहा था कि कार्यक्रम के बारे में, इस कार्यक्रम आज के इस कार्यक्रम के बारे में मैंने उनको बताया था, कल ही मैंने उनको बताया था, मैंने कहा एक मालूम करके थोड़ा मुझे बताएंगे क्या एक संजोग बन सकता है पार्क का शिलान्यास और इस कार्यक्रम के लिए, लेकिन खैर संजोग नहीं। याद करिए क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही आज हम सब सुरक्षित हैं, ये देश भी ये धर्म भी सुरक्षित है। और मैं धन्यवाद दूंगा गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी से जुड़े हुए जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उन्होंने विषम परिस्थितियों में उनके पूर्वजों को भी, उनके पूर्व पदाधिकारियों को भी, आप सोचिए ना, इसलिए 300 एक नई परंपरा की शुरुआत हमें करनी चाहिए। और पर्व 50वें पर्व पर हम लोगों ने किया था जो परंपरा अभी हाल ही में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहिबजादों के पर्व के उपलक्ष्य में हुआ है, और मई के कार्यक्रम के लिए भी अभी से इस प्रकार की योजना रचना करके कहां पे शासन के स्तर पर सहयोग होना है, कहां पे स्थानीय प्रशासन का सहयोग होना है, ये सभी कार्यक्रम अभी से हमें बनाना चाहिए। हमें देश के बारे में बधाई आप सभी को देते हुए मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि इस संगत का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार फिर से यहां पर इस पावन संगत को नमन करते हुए आप सबको मैं अपनी कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बोले सोनियाल। वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु। थोड़े से वाहेगुरु डाला।